प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नेवी को सौंप दिया। उन्होंने नए नौसेना ध्वज का भी अनावरण भी किया। बोले कि इस पर पहले गुलामी का प्रतीक का था जिसे हमने हटा दिया। नया नौसेना ध्वज शिवाजी को समर्पित है। मोदी जी ने एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने वाले इंजीनियर्स की तारीफ की और कहा इस शिप में जितने केबल और वायर हैं वो कोच्चि से काशी तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि INS विक्रांत सिर्फ वॉरशिप नहीं समंदर में तैरता शहर है। मोदी 9:30 बजे कोच्चि स्थित कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में पहुंचे थे। यहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये भारतीयों के लिए गर्व का मौका है। ये भारत की प्रतिभा का उदाहरण है। ये सशक्त भारत की शक्तिशाली तस्वीर है। ये अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है। ये बताता है कि ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। हम आज नए सूर्य के उदय के साक्षी बन रहे हैं। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। ये 2 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर हैं। केबल और वायर कोच्चि से शुरू होकर काशी तक पहुंच सकते हैं। ये जटिलता हमारे इंजीनियर्स की जीवटता का उदाहरण है। मोदी ने कहा कि शिवाजी की समुद्री ताकत से दुश्मन कांपते थे। आज मैं नौसेना नया ध्वज छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूँ। ये नया ध्वज नौसेना के बल और आत्मसम्मान को बल देगा। अब तक नौसेना के झंडे पर गुलामी की तस्वीर थी, इस तस्वीर को हमने हटा दिया है। मोदी ने कहा कि विक्रांत विशाल है, ये खास है, ये गौरवमयी है। ये केवल विकास विक्रांत के लिए है। ये खास है, ये गौरवमयी है। ये 21वीं सदी के भारत के कठिन परिश्रम, कौशल और कर्मठता का सबूत है। आज भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो अपनी तकनीक से ऐसे बड़े जहाज बना सकते हैं। आज INS विक्रांत ने भारतीयों को नए भरोसे से भर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।